महंत अवैधनाथ की मनाई गई दसवीं पुण्यतिथि कब उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु एवं गुरुपुर मठ के महाराज महंत अवैधनाथ की दसवीं पुण्यतिथि मऊ जिले में धूमधाम से मनाई गई है। इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति पहुंचे हैं, जहां मऊ बॉर्डर पर पहुंचते प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति का विश्व हिंदू महासंघ कार्यकर्ताओं ने हजारों गाड़ियों के काफिले साथ उनका स्वागत किया है। वहीं के अवसर पर मऊ जिले में मंत अवैधनाथ पुण्यतिथि का आयोजन के कार्यक्रम में किया है। राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज जी का कहना था कि छुआछूत एक हिंदू समाज की कोढ़ है। हिंदू समाज को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके छुआछूत के इस दंश को समाप्त करें। इसके लिए उन्होंने दलित बस्तियों में सहभोज का आयोजन किया था और इस माध्यम से उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता की एक जबरदस्त क्रांति पैदा की। आज हम उन्हीं तथ्यों को लेकर के आज यहाँ मऊ जनपद में आना है। हिंदुओं को एकजुट करते रहे हैं आप, कहा कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, क्या है? हमारा इतिहास जो है वो बताता है कि जब जब हम बटे तब तक हम कटे। इसी को लक्ष्य करके योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन आज राष्ट्र संत अवैधनाथ जी की दसवीं पुण्यतिथि के अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ यह संकल्प लेता है, न हम बटेंगे न हम कटेंगे, हम सनातन हैं, सनातन रहेंगे। हिंदू एकजुट नहीं हो पाते हैं, कई बार भी देखा गया, इस बार लोकसभा चुनाव में भी संख्या कम रही लोग सांसदों की, तो क्यों नहीं एकजुट हो पाते हैं? जाति में बढ़ जाते हैं, एकजुट एक पहलू पर आते नहीं है सामने। कालांतर में माना हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। बीते हुए समय में हमने जाति के नाम पर, हमने धर्म, हमने जाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, छुआछूत के नाम पर समाज में ढेर सारा विभेद भेदभाव पैदा था। लेकिन राष्ट्र संत अवैधनाथ जी ने जब से प्रयास किया इसमें ढेर सारी कमी आई हुई है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के द्वारा, इस संगठन के द्वारा हम लोग प्रयत्नशील हैं कि जो पिछले समय में जो हम अपने समाज के साथ जो एक प्रकार का भेदभाव का बर्ताव करते थे वह खत्म हो। जिस दिन यह भेदभाव खत्म हो जाएगा भारत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र। नहीं देखिए, विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता यदि कोई इस प्रकार का कुकृत्य कर रहा है और यदि उन्हें जानकारी मिल जा रही है तो उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखा रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर मऊ जनपद में मनोज श्रीवास्तव, आशुतोष सिंह और राघवेंद्र सिंह योगी सेवक के रहते कोई माई कालाल इस प्रकार का दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। और मैं इसी कोशिश में हूँ कि अब मनोज श्रीवास्तव, राघवेंद्र सिंह, आशुतोष सिंह जैसे हम योद्धा सभी जनपद में तैयार करें ताकि हम इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकें और इस प्रकार के करनी का जो लोग करते हैं उनका फल भी उन्हें दिला। जी ने कहा था कि धर्मांतरण एक प्रकार का राष्ट्रांतरण है और हम इसे कतई नहीं होने देंगे। और लव जिहाद में भी कमी आई है, अन्य इस प्रकार के जो दुष्कृत्य लोग कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के शासन की धमक है। वे कहते हैं कि मेरे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला। इस नाते सब लोग जानते हैं कि जो लोग रहेंगे कायदे से रहेंगे, नहीं तो फिर उन्होंने तो सीधे कहा गुंडे व दंगाई यूपी छोड़ दे, अन्यथा राम नाम सत्य हो जाएगा। यह पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी धमक बनी हुई है और जो इस प्रकार का दुष्कृत्य करने वाले हैं उनमें भय व्याप्त है। इसमें काफ़ी कमी आई है, कालांतर में जो कुछ बचा खुचा है